नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी। इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षाओं संबंधित यूजीसी ने एक बड़ा नोटिस इस वक्त जारी किया है, तो संपूर्ण जानकारी आपको विद प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। साथ साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले व सबसे तेज। आप सभी स्क्रीन पर यह बड़ा प्रेस नोट देख सकते हो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 26 मई 2020 को जारी किया गया है। देखिए, विषय दिया गया है कि परीक्षा से संबंधित शिकायतों और चिंताओं का निरीक्षण एवं शैक्षणिक कैलेंडर दृष्टि से संबंधित ये जारी किया गया है सभी विश्वविद्यालयों से जुड़ा। देखिए, डियर वाइस चांसलर और प्रिंसिपल को ये लिखा गया है। इसमें साथियों यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी दी गई है कि जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि इस महामारी को देखते हुए जो यूजीसी है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने 29 अप्रैल 2020 को अपनी एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये जो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं इसमें सभी जो विश्वविद्यालय उनको निर्देश दिए थे कि विश्वविद्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे भागीदारी यानी छात्र और छात्राएं या फिर शिक्षक जो भी है सुरक्षा तथा हित को ध्यान में रखते हुए उन सभी को है वो परीक्षाओं को लेकर निर्णय लेना है, यानी उनकी सेफ्टी सबसे पहले उनको देनी है और सर्वोच्च जो प्राथमिकता देते हुए दिशा निर्देश को अपनाते हुए तथा क्रियान्वित करते हुए समय अपनी गतिविधियों की योजना बनानी है। ऐसा नहीं है कि यदि कोरोना सही नहीं होता है और इसका संक्रमण यदि ज़्यादा फैलता है तो आप परीक्षाएं हैं वो करवाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि संक्रमण बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है तो आप छात्रों को प्रमोट भी कर सकते हो, इसके संबंध में ये जारी किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पे आगे ये लिखा गया है कि देखिए कि जो यूजीसी है, देखिए यूजीसी टास्क फोर्स यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कोविड 190 के कारण छात्रों की शिकायतों और चिंताओं को दूर करने के लिए कार्यबल का गठन किया गया था। छात्रों शिकायत प्राप्त करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और ईमेल नंबर भी यूजीसी के द्वारा है वो जारी और उपलब्ध कराया था। उसमें बहुत सारी जो शिकायतें आई थी अब तक प्राप्त किए गए, देखिए यहाँ पे गया कि ईमेल्स और फोन कॉल से और रिसीव जो भी किए गए थे यानी अब तक प्राप्त किए गए थे ईमेल और फोन कॉल के आधार पर यह देखा गया कि शिकायतें शिक्षा विद्युत परीक्षा और प्रवेश और शुल्क से संबंधित और वेतन से संबंधित थी। सभी जो भी शिकायतें आई थी वो उससे संबंधित थी और छात्रों को प्रमोट करने से जुड़ी थी। तो विश्वविद्यालयों को यहाँ पे आदेश किया गया है कि ये भी सभी जो समस्याएं हैं वेतन से जुड़ी और आपके जो पाठ्यक्रम जब अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द आप पूरा करें और जो भी ये यहाँ पे शिकायतें आई इनका सबका है आपको जल्द से जल्द यहाँ पे निस्तारण करना है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और बात की गई, देखिए इस बिंदु के अंदर कि आपको आप इस बात की सराहना करेंगे उपयुक्त शिकायतों के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों और राज्य सरकारों को कार्रवाई करने की जरूरत है और विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है 29 अप्रैल 2020 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय से उम्मीद भी यही की जाती है कि जो भी शिकायतें हैं उनका सबसे पहले विश्वविद्यालय है वो यहाँ पे निस्तारण करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में ये बात लिखी गई है कि उपयुक्त जो भी है उसके मद्देनजर ये एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि विश्वविद्यालय छात्र शिकायत सेल को तुरंत स्थापित करें, यानी अपने जो एक टास्क फोर्स का गठन करें अपने स्कूल के अंदर जो भी छात्रों की शिकायतें हैं और सुझाव है उनको जल्द से जल्द लिखे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रेस नोट है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा छात्रों के हित में जारी किया गया है। और यहाँ पे ये तक की बात की गई है कि सबसे पहले छात्रों को प्रायोरिटी देनी होगी और सबसे पहले जो छात्र और टीचर है उनकी जो भी है यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं सभी विश्वविद्यालयों का निर्णय लेना होगा और फिर एग्जाम डेट घोषित हो चाहिए छात्रों को प्रमोट करो उससे संबंधित निर्णय ले सकते हो। तो क्यों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही थी और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यूजीसी ने सबसे पहले विश्वविद्यालयों के ये पत्थर और लिख के उनको एक जवाबदेही है यहाँ पे दी है कि आप जो भी फैसला ले वो छात्र हित में लेना है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, क्या यूजीसी ने ये सही गाइडलाइन जारी किए या फिर नहीं, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जुड़ दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।